आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने महिला आरक्षण बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सरकार इसे 2024 के चुनाव में ही लागू करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा महिला आरक्षण बिल सिर्फ बिल नहीं बल्कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। उन्होंने इसके अलावा कहा कि हम सरकार से इस बिल में संशोधन करने की मांग करेंगे। वहीं संजय सिंह ने आगे ये भी कहा कि हम लोगों को ये बताएंगे कि सरकार एक बार फिर से जुमला लेकर आई है। मोदी सरकार जिस तरह से पहले देश के लोगों को बेवकूफ बनाती रही है उसी तरह से एक बार फिर से महिलाओं को बेवकूफ बनाने के लिए सरकार जुमला लेकर आई है। निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल महिला बेवकूफ बनाओ बिल है और ये बात हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि एक भी वादा नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं 9 साल से सत्ता में एक भी वादा इन्होंने जमीन पर पूरा नहीं किया। ये एक और जुमला लेकर आए हैं जिसमें ये बिल 15 साल में पास होगा, 20 साल में पास होगा, 25 साल में पास होगा, कब पास होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं। अगर आप महिला आरक्षण बिल लागू करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी